देश में अभी क्रिकेट का खुमार छाया है, लोगों की नजर वर्ल्ड कप के लिए हो रही मैचों पर है। तो इधर बिहार में भी सियासी खेल की फील्डिंग लगनी शुरू हो चुकी है। दरअसल बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार आहिस्ता आहिस्ता अपना दबदबा बढ़ाते जा रहे हैं। विधानसभा में 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू को फिर से पुरानी स्थिति में लौटाने का नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं। जाति सर्वेक्षण का तो ऐसा कठिन काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिखाया, तो अब विपक्ष के लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अचूक निशाना साधने वाले अस्त्र को तैयार कर रहे हैं। नीतीश कुमार का साथ छोड़ने वाले भी अब पछता रहे होंगे कि आखिर इतनी हड़बड़ी में फैसला क्यों ले लिया। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी के साथ जदयू के सटने पर लोगों को यही लगा था कि आरजेडी में जदयू समाहित हो जाएगा। ये भ्रम इसलिए भी पैदा हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 के विधानसभा चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपने का घोषणा कर दिया। वहीं जाति सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने के बाद नीतीश पूरे देश में विपक्ष का मॉडल बन चुके हैं। आरजेडी भी नीतीश के अंदाज में अचानक आए बदलाव से हतप्रभ है। बता दें कि नीतीश आहिस्ता आहिस्ता अपने वोट बैंक को ठीक करने में लगे हैं। वे किसी तरह का कील काटा नहीं रहने देना चाहते। शायद यही वजह है कि जाति सर्वेक्षण के आंकड़े सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पैठ उन जातियों से बटाने में लगे हैं जहां 2005 से अब तक उन्हें लगातार वोट मिलता रहा। मसलन मुस्लिम कम्युनिटी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पक्ष में रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बीते हफ्ते जदयू के मुस्लिम नेताओं से मुलाकात भी की थी। कांग्रेस और आरजेडी का युग समाप्त होने के बाद मुस्लिम वोटर नीतीश कुमार के ही साथ थे। यह सिलसिला 2020 के विधानसभा चुनाव से टूटा जब जदयू के सभी 11 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव हार गए। वहीं बिहार में दलित और महादलित में बटे दलित समुदाय को अपने साथ रखने की योजना पर नीतीश लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। उनके उत्थान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो भागों में दलितों को बांटा और उसी हिसाब से उन्हें सहूलियतें दी। उनके लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं बनाई, उनका भरोसा कायम किया, वही जीतन राम मांझी को सीएम तक बना दिया। हालांकि कालांतर में मांझी ने अभी उनसे दूरी तो कभी नज़दीकी का खेल जारी रखा। हाल तक नीतीश के साथ रहने वाले मांझी ने प्रत्यक्ष रूप से उनसे दूरी बना ली है, लेकिन अब खिचड़ी भी पकाने में लग चुके हैं। बता दें कि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से राजगीर में गोपनीय मुलाकात की थी। राजनीति में ऐसी गोपनीय मुलाकातों का काफ़ी महत्व है क्योंकि यही गोपनीय मुलाकातें कभी कभी खेल कर देती है। नीतीश कुमार के साथ उनके सर्वजातीय कुर्मी वोटर तो काफ़ी लंबे वक्त से हैं, वहीं इन्हीं वोटरों को अपने साथ रखने की भी कोशिश नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं। लेकिन इन सब में सवाल ये कि क्या पूर्व सांसद आनंद मोहन खुद ही नीतीश की ओर खींचे चले जाएंगे? आनंद की रिहाई के लिए नीतीश कुमार ने जो संशोधन किया और उन्हें जो रिहाई दिलाई, क्या इससे वो अब नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।